नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर आयकर का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और सीएम के करीबियों प्रवीण कक्कर और उसके साथियों पर 30 घंटे से ज्यादा हो गए। छापामारी अभी भी जारी है। कमलनाथ के ओएसडी हैं प्रवीण कक्कर, उनके इंदौर वाले घर पर अब भी आयकर अधिकारी मौजूद हैं। छापामारी हो रही है। ये भी आपको बता दें कि कल सुबह 3 बजे छापामारी शुरू हुई थी। भोपाल में प्रवीण कक्कर के करीबी अश्विनी शर्मा के घर पर भी रेड चल रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है वो ये कि आयकर अधिकारी नोट गिनने वाली मशीन लेकर अश्विनी शर्मा के घर पर पहुंचे हैं। अश्विनी शर्मा एक एनजीओ चलाते हैं। शर्मा की व्हाट्सएप चैट भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर के मिकलानी के यहां भी छापामारी लगातार हो रही है। कल सुबह 3 बजे से लगातार आयकर अधिकारी मौजूद है, सीआरपीएफ की फोर्स के साथ यहां पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश पुलिस तक को इसकी जानकारी नहीं थी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी के बाद सूबे की सियासत में हलचल बढ़ गई है। जहां बीजेपी ने आरोपों का पिटारा खोल दिया है, वहीं कमलनाथ ने छापामारी को केंद्र की साजिश बताया है। और इस बीच पूरी रात मुख्यमंत्री के ओएसडी और दूसरे करीबियों के घर पर छापामारी चलती रही। प्रवीण कक्कर मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी, राजेंद्र कुमार मिकलानी मुख्यमंत्री कमलनाथ के सलाहकार, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी ओएसडी प्रवीण कक्कर के करीबी, कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आसपास उनके बेहद खास लोगों पर आयकर ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में करीब 50 जगहों पर आयकर की टीम सक्रिय है। ये छापेमारी दिल्ली, इंदौर, भोपाल और गोवा में चल रही है। भोपाल में नादिर कॉलोनी में मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कर के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रवीण कक्कर के घर से 16 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा कई कागजात बरामद होने की बात सामने आ रही है। प्रवीण कक्कर के इंदौर के घर पर भी आयकर का छापा पड़ा है। हालांकि यहाँ से बरामद सामानों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इंदौर में एक साथ करीब 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। भोपाल में प्रवीण कक्कर के अलावा उनके दो करीबी प्रतीक जोशी और अश्विनी शर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। प्रतीक जोशी और अश्विनी शर्मा प्रवीण कक्कर के खासम खास हैं। भोपाल और इंदौर के अलावा गोवा में भी इनकम टैक्स की टीम प्रवीण कक्कर, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के लिंक खंगालती रही। इन तीन लोगों के अलावा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी का दौर चला। दिल्ली में लंबे वक्त से कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार रहे आर के मिगलानी के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंची, दस्तावेज खंगाले गए। ग्रेटर नोएडा में मोजबेयर कंपनी पर छापा पड़ा। ये वो कंपनी है जिसके मालिक रतुलपुरी हैं और रतुलपुरी कमलनाथ के भांजे हैं। आयकर की टीम जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर अभी अपना शिकंजा और कसेगी। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में और छापेमारी मुमकिन है। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, आज तक। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंदौर से हमारे साथ मुनीश पांडे मौजूद है, रवीश हमारे साथ भोपाल से हैं। रवीश, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे क्योंकि छापामारी हुई और चुनावी मौसम में आईटी रेड बहुत कुछ कह रही है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी के पास मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस कह रही है कि गलत तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से एन पहले जो छापा पड़ा है इसने वाकई में सियासी पारा जो है मध्य प्रदेश का वो बढ़ा दिया है। कल सुबह इस छापे के बाद जब हम मुख्यमंत्री कमलनाथ को जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे उनसे, तो वो कैमरे से बचते नजर आए। हालांकि देर शाम उनका फिर एक बयान जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि बदले की भावना से ये छापे मारे गए हैं। मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद बीजेपी की सत्ता गई है, कांग्रेस की सरकार आई है और लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को अपनी हार होती दिख रही है, इसलिए ये छापे मारे गए हैं। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आता है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, आपको दिखाएं नवजोत की प्लेटिनम प्लाजा, जहाँ पे 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो छापे की कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। और सीआरपीएफ ने कल देर शाम जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस मध्य प्रदेश की यहाँ पे आती है, भोपाल पुलिस से उनकी तकरार होती है, हालांकि पुलिस को बाद में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम बदला उसके बाद सीआरपीएफ अपनी एक टुकड़ी को और बुलाती है। और अभी भी अगर आप देखें तो सीआरपीएफ के जवान जो है बड़ी संख्या में प्लेटिनम प्लाजा के बाहर तैनात हैं। और इसके साथ आपको बताया जो नई दो बातें निकल के सामने आ रही है वो ये जिस तरीके से 30 घंटे से बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हम ये भी बता दें जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि छापामारी के दौरान रविवार को सीआरपीएफ और पुलिस दोनों के बीच में वहां पर झड़प भी हो गई, एक टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। बिल्कुल बंगाल की तर्ज पर ही यहां पर पुलिस और केंद्रीय एजेंसी मित्रत्व में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने सफाई दी कि वो छापामारी के दौरान बिल्डिंग में कैद हुए लोगों की मदद करने के लिए पहुंची थी वहां। मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास स्टाफ के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े तो एमपी पुलिस बेचैन हो गई। आनन फानन में छापेमारी कर रही टीम को घेर लिया गया। पुलिस अंदर दाखिल होना चाहती थी लेकिन आयकर की टीम के साथ तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने एमपी पुलिस को रोका और फिर शुरू हो गई भिड़ंत। माइक आगे करो, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तनातनी बढ़ी तो सीआरपीएफ ने तुरंत ही अपनी तादाद बढ़ाई। प्लेटिनम प्लाजा पर एक बस अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। भोपाल पुलिस का दावा है कि प्लाजा में फंसे लोगों ने इलाके के एसएचओ को फोन कर बिल्डिंग में कैद होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक फोन करने वालों का छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में उन्हें कैद कर कैसे रखा जा सकता है। सर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोकल एसएचओ को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना है, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात करें। एमपी पुलिस के दावे को सीआरपीएफ ने खारिज तो किया ही, ऊपर से गाली गलौज करने और काम में बाधा डालने का भी आरोप मढ़ा। हमने किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत की हो आप बताइए, ये जस्ट यहाँ गाली दे रहे हैं, अपनी रैंक की धौंस दिखा रहे हैं। हम फिर भी अपनी सीआरपी हमेशा लाइन ऑर्डर ड्यूटी को बहुत ही पीस तरीके से मेंटेन करने के लिए तैयार है। हंगामे के बाद सीआरपीएफ ने बिल्डिंग में कैद लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे दी। एक के बाद एक कर 5 महिलाएं समेत 6 लोग बाहर निकले। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर की एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र भी सीएम के ओएसडी के घर पर छापेमारी के दौरान घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि सीआरपीएफ जवान के इनकार के बाद एसएसपी ने अपना मोबाइल नंबर साझा कर मौके से चले जाना ही ठीक समझा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि छापेमारी की बौखलाहट से कमलनाथ सरकार ने बंगाल जैसे हालात यहां भी बनाने की कोशिश की। जैसा ममता जी ने बंगाल में किया था वही खेल मध्य प्रदेश में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री समझ लें कि इसके परिणाम क्या होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उजागर होना चाहिए। इस बीच देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा के घर पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं बताया। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, आज तक।
और इन तस्वीरों में हमने देखा कि तनाव और टकराव की स्थिति किस कदर थी कि पुलिस खुद ही मीडिया के सामने आकर सफाई दे रही थी। हालात इस तरह से हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त रवीश जुड़े हुए लगातार और मुनीष भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवीश, देखिए तनाव इतना ज्यादा कि पुलिस को सफाई देनी पड़ रही कि वो आखिर वहां पर क्यों पहुंची, टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया वहां पर। बिल्कुल, और आपको बताएं कि जो किरकिरी हुई थी पुलिस की, उसके बाद पुलिस को ही ये सफाई देर रात को जारी करनी पड़ी। आपको बताएं कि प्लेटिनम प्लाजा में तकरीबन 6 बजे पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, 6 से लेकर 7 बजे तक ये स्थिति यहाँ बनी रही। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं 8:30 बजे और वो आरोप लगाते हैं कि जब प्रदेश में आचार संहिता लागू है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, तो पुलिस को आखिरकार यहाँ पर आने के आदेश किसने जारी किए ये बताना होगा। और उसके बाद देर रात को पुलिस की सफाई आ जाती है कि यहाँ पर फ्लैग मार्च के लिए पुलिस निकली हुई थी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो और गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पूरे इस एक्शन पर। और राहुल जी, कैसे लेते हैं जब यहाँ पे आए शिवराज सिंह चौहान, कल कहते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद पुलिस यहाँ पहुंची, तो किसके आदेश पे पहुंची, क्या लगता है आपको ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसके मायने क्या थे? देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए पुलिस आती है, जिसमें सीआरपीएफ अपनी कार्यवाही कर रही थी, लगातार इनकम टैक्स का सहयोग कर रही थी, और उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस आकर दरवाजे बजाती है, उन पर दबाव बनाती है, और इस बात के लिए दबाव बनाती है कि हमें अंदर जाने दिया जाए। ये पूरी तरीके से कागजात, जेवरात और नकदी को लूट कर ले जाने का, साइडलाइन करने का एक बड़ा षड्यंत्र था, जिसको सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम करा है। हम उनकी सराहना करते हैं इस बात के लिए कि वो इनके सामने नहीं झुके। मध्य प्रदेश की पुलिस पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। दिग्विजय सिंह का शासन था, एक बड़े शराब कारोबारी के इनकम टैक्स की रेड हुई थी, जब गाड़ी वहां से लौट रही थी उस गाड़ी को लुटवा दिया गया था। ये कांग्रेस की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि इस इनकम टैक्स की रेड में जो दलाल सामने आ रहे हैं उसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, उसमें ट्रांसपोर्ट और एक्साइज घोटाले का पैसा समझ में आ रहा है। बड़ा जो तबादला उद्योग का धन आरोप लगाती थी, आपको लगता है इससे कोई लेना देना इस छापे से हो सकता है? देखिए, जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों में देश में बड़ी गतिविधियां हुई थी, जबलपुर के अंदर 4,000 करोड़ का हवाला पकड़ में आता है, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में कमलनाथ जी के भांजे का नाम आता है, दिल्ली के एक बड़े व्यापारी के यहाँ छापा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे तार आपस में जुड़े होंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स की कार्यवाही हो रही थी। इसमें जिस तरह से दखलंदाजी देने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया है, राज्यपाल जी को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि सारे आईएएस हैं उनकी आईएएस की पदवी तुरंत वापस ली जाए। आपको सीधा मुनीष के पास चलते हैं, क्योंकि इंदौर में भी 4 जगहों पर छापामारी हुई है और इसके बाद अब सियासत कैसे गरमा रही, खासतौर पर चुनावों से पहले। मुनीष, वहां से जानकारी क्या मिल पा रही, क्योंकि खबर यह आई है कि बाकायदा मशीनें बुलाई जा रही है नोट गिनने के लिए। जी बिल्कुल, 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम प्रवीण कक्कड़ के घर के बाहर मौजूद हैं, और प्रवीण कक्कड़ वो शख्स हैं जिनको बताया जाता है कि कमलनाथ के बहुत करीबी हैं। इस पूरे छापेमारी में एक जो सबसे खास चीज वो है कि जितने भी जगह पर छापेमारी की गई है उसकी केंद्र बिंदु खुद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ हैं, कोई उनके करीबी बताए जाते हैं, कोई उनके ओएसडी, और उनके खुद के जो नेफ्यू रतुल पुरी उनके यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं मामला अपने आप में राजनीतिक तो जरूर है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से ठीक 4 दिन पहले ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की छापेमारी होती है तो इनकम टैक्स को पहले इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा और बताने के बाद में छापेमारी होगी। लेकिन बीजेपी जो है साफ तौर पे कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें अगर छापेमारी हो रही है और किसी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उसे डरने की क्या बात है। लेकिन जहां तक पूरे मामले की बात करें, आयकर विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि ये मामला पूरा अनअकाउंटेड मनी का है, यानी कि गैर कानूनी रूप से पैसे रखने का मामला है। जितनी भी जगह पर छापेमारी हुई है उन सभी लोगों को कहा गया है कि अगर इस पैसे के बारे में आपको जानकारी, आप उसके दस्तावेज लेकर आइए। कर रहे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे, लेकिन सियासत जरूर इस पर हो रही है। मनीष, नजर आप बनाए रखिए। इस बीच ये भी बताएं कि कमलनाथ के ओएसडी और निजी सलाहकार के ठिकानों पर छापामारी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी भड़क गई है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर आरोपों के तीर दागने शुरू कर दिए, तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इधर कमलनाथ के अजीजों की दहलीज पर आयकर ने कदम रखा, उधर मुख्यमंत्री ने सवालों पर चुप्पी साधी। दो तस्वीरें देखिए। होशंगाबाद में चुनावी रैली में पहुंचे कमलनाथ ने सवालों को नजरअंदाज किया। देर शाम छिंदवाड़ा में भी सीएम ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता एक प्रेस रिलीज जरूर सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सफाई कम
और छापेमारी पर बीजेपी पर निशाना ज्यादा साधा। प्रेस रिलीज में लिखा गया, आयकर छापों की स्थिति अभी साफ नहीं है, सारी स्थिति साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। मोदी सरकार में संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं का उपयोग विपक्षियों को डराने के लिए किया जा रहा है। विरोधियों के खिलाफ बीजेपी हथकंडे अपना रही है, पर हमारे कदम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। लेकिन इस छापेमारी के बाद सियासत उबाल पर है। चुनाव काउंटडाउन के बीच बीजेपी को मुद्दा मिला। ड्यूरिंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट पीरियड बोथ द इलेक्शन कमीशन एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोथ एक्ट जॉइंटली एंड ऑल्सो सेपरेटली इन ट्राइंग टू कीप अ चेक ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ ब्लैक मनी इन द इलेक्शंस। This is their function. They do it. कैश बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, संपत्तियों का जखीरा निकल रहा है। मुझे आश्चर्य कहते हुए कि यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री बजाय इस कार्रवाई में सहयोग करने के आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में एक ही आलाप साधा कि मोदी सरकार को चुनाव में हार का डर है, इसलिए वो इनकम टैक्स विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो हर जगह जो है, तुम जानते हो सरकार, हर जगह जो कांग्रेस के लोग हैं उनको चुन चुन के हमला कर रहे हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चुनाव के दिनों में हो रहा है, कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि उनके यहाँ पे कोई गया हो? उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, उनके लिए कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है, ये मेरा सवाल है। मोदी के काम करने का तरीका यह है, वो एक तानाशाह की तरह जब चुनाव में हारते हुए नजर आते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए छापे डलवाते हैं। केवल एक राजनीतिक विद्वेष के चलते इस तरह के हथकंडे बीजेपी और मोदी सरकार अपना रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर से करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस बेशक इसे साजिश करार दे, लेकिन सीएम के ओएसडी को ये तो बताना ही होगा कि घर से बरामद कैश का स्रोत क्या है, ये पैसे कहां से आए। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ रविश पाल सिंह, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।